سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا آمين سم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى نے سورة البقرة کے نمبر 36 آیت نمبر 261 میں فرمایا ہے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَنْبَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَمَسَلِ حَبَّتٍ أَنْبَتَتْ سَبَعْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَةُ حَبَّةٍ والله والله لمن يشاء واسع عليم. उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के राह में अपना माल खर्च करते हैं एक दाने की सी है उस दाने में से सात बाले निकले और हर बाली में सौ दाने अल्लाह वो बढ़ा देता है जिसको वो चाहता है वो बहुत ही वस्त वाला और अलीम है उस अलीम और उस हकीम रब ने सूरा अल बकरा की इन आयत में इस आयत और इससे आगे पूरे ही दो रकुआत में अल्लाह सुबहाना वी सबील ला यानी अल्लाह के राम में ख़र्च करने की फ़ज़ीलत उसका अजर सवाब और उसका उसका तरीक़ा उसका अंदाज़ और उसके आदाब उस पर वजाहत से बात फ़रमाई है और बुनियादी तौर पर अल्लाह सुबहाना आयत में वो अजर वो सवाब जो अल्लाह की राह में खर्च किए जाने वाले माल चाहे वो जक़ात है सदक़ात है खैरात है उस अजर का तस्करा फरमाया है बताया जा रहा है कि जब कोई शख्स अल्लाह की राह में माल खर्च करता है तो उसका अजर कितना है यह एक बहुत ही पसंदीदा अमल और एक बहुत ही पसंदीदा फेल और एक मोमिन को बुनियादी तौर पर कुरान में एक जगह नहीं बारहा एक किसान के साथ तशबी दी गई किसान आप जानते हैं कि जब किसान अपने हाथ से बीज बोता है तो वो बीज आरजी तौर पर उसके हाथ से गुम हो जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद जब वो इनकी निगरानी करता है निगदाश्त करता है आबियारी करता है खाद डालता है उनकी हिफाजत करता है नन्े मुन्ने पौधों की तो फिर कुछ देर के बाद एक खेती लहला हाती है जिसको वो काटता है नफ़ा उठाता है फलाह पाता है और खसारे से बच जाता है यही मामला मोमिन का भी है Moment, जब अपने हाथ से अल्लाह की राह में उसकी रजा के लिए माल खर्च करता है तो आर्जी तौर पर वो माल उसके हाथ से निकल जाता है लेकिन सदकात और खैरात के खर्च कर देने के बाद जब वो बाद में अपने रवैयों से इस सदका और खैरा किए हुए माल के अजर की हिफाजत करता है एहसान नहीं जताता दुख नहीं देता तकलीफ नहीं देता और रिया करके अपने माल को ज़ाया नहीं करता तो क्या है उसके लिए भी अजर की खेती है क्योंकि दुनिया भी तो आख़रत ही की खेती है और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला ये मोमिन बेहतरीन अजर सवाब पाता है और अल्लाह की रजा से फैस होता है सूरा बकरा बुनियादी तौर पर मदनी सूरत है और बिल्कुल इब्तदाई मदनी दौर में यह सूरत नासिल हुई इससे कुछ ही देर पहले अभी मुसलमानों की एक जमात महाजरीन मक्का की एक जमात मक्का से हिजरत करके मदीना खाली हाथ फ़क्र फाक़ा मोहताजी और बहुत ही माशी बदहाली की हाल में जब यहाँ पे पहुँचे तो नबी अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना और महाजरीन मक्का के दरमियान वो तारीखी मुआखात का मामला जो है नुमा किया और इस मुआखात ही के नतीजे में अनसार मदीना उन्होंने बड़े ही इशार और बड़े ही खलूस और मोहब्बत का मुजाहिरा करते हुए अपने घर भी बांटे जायदादें भी बांटी अपने कारोबार भी बांटे यहां तक ए, अपने बाग तक उन्होंने अपने अपने महाजरीन भाइयों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम किए उनके इस मवा के इशार और इस खैर खाही और बाहमी भाईचारे के मुज़ाहरे मुझा, के बाद अल्लाह सुबहाना ताली ने सूर्य बकरा में भी और, और भी क़ुरान की सूरतों में क़्यामत तक के लिए रहती दुनिया तक के लिए मुसलमानों को उनके माशरे के लिए उनका माशी निज़ाम वज़ा कर दिया इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एक माशरे के अंदर इस्लामिक माशरे के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम या माशी निज़ाम कैसे होगा इसको अल्लाह सुबहाना ताली ने इनफाक फी सभी को इसका पिवट और इसका महवर और मरक़ बना के कुरन में इनफाक फी सभी का बार हाथ तस्कर और उसकी ताक़ीद कुरान के मतफर्रिकायात में इसका हवाला दिया गया अगर हम सूरा बकरा ही को देखें तो अभी जो मैंने आयत की बात की वो बुनियादी तौर पर सूरा बकरा की आयत नंबर रकू नंबर छत्तीस से है लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो सूरा बकरा में अब तक मुतफरक मुतफ्रक आयात में एक एक दो दो आयत आयात की शक्ल में इन्फाकल्ला के हवाले से बात की गई है और फिर फाइनली इस, इस रक़ू तक ये बात का सिलसिला जारी रहता है यूं लगता है कि जैसे अल्लाह सुबहाना ताली सूर्य बकरा में बार बार एक सेंसिटाइजर की शक्ल में इंफ़ाक़ पर बात करते हैं और फिर जैसे पूरी की पूरी हाइप बिल्डअप हो जाती है तो उस वक्त फिर पूरे वजाहत के साथ दो रकूआ में अल्लाह सुबहाना ताली इसका तरीका तरीक़ाकार इसके अदब इसके सलीके क्या करना है किसको देना है किसको नहीं देना देने के बाद क्या रवैया होगा और उसके फज़ाइल और उसके मिलने वाले जर पर इन दोनों रकुआत में एक मुफसल मुबाहसा किया गया मसलन अगर हम आगाज से देखें तो अल्लाह सुबहान तआला ने सूरह बकरा की बिल्कुल इब्तदाई आयत में फरमाया अलिफ लाम मीम दालिकल किताबुला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना अलज़ीना यकीमसला तवम मरजनाम्यूफ़ून वो लोग इस किताब से हदायत वो लोग पाएंगे जो मुतकी हैं जो मतकी हैं और परहेज़गार हैं वो नमाज़ कायम करते हैं और वह ज़क़़़़़त अदा करते हैं यानी अल्लाह के दिए हुए माल में से ख़र्च करते हैं कोई असूरा बकरा के आगाज़ में इस हदायत नामे से हदायत का ज़रिया और तकवा का पैमाना इनफ़ाक फ़ी सभी को करार दे दिया गया उसके बाद अगर हम आगे चलें तो सूर्य बकरा के रकू नंबर छब्बीस की आयत नंबर दो सौ पंद्रह में तस्करा किया गया एक सवाल का यलून कमाजाफून वो सवाल करते हैं कि हम क्या खर्च करें यह सलून कमाजाफून फुमिन खायरन फल वबीना वाल वालय विन

कोया अल्ला तला सबहाना तै ने, ने यहाँ पर इन्फाक फी सबील अल्लाह का तस्करा करने के बाद इस आयत में यह समझा दिया कि जब तुम अल्लाह की राम में माल खर्च करोगे तो किस दायरा कार पर करोगे किस को दोगे अपने वालदेन को अपने रिश्तेदारों को और फिर उसके बाद मस्किनों और मुसाफरों का तस्कर किया गया कोया इन्फाक वो खर्च जो अल्लाह की राह में होगा अंदर के दायरे से शुरू होकर जैसे जैसे इस्तात बढ़ती जाएगी और वो इन्फाक बढ़ता जाएगा दायरा कार वसी से वसी तर होगा लेकिन याद रखिएगा आगाज बिल्कुल करीबी दायरे कार से होगा और इसमें बहुत बड़ी हमत है जब फ़ाक़ चाहे वो ज़क़़त है चाहे वो सदक़त है चाहे वो किसी शक्ल में अल्लाह की राम खैरात है जब उसका आगाज़ बिल्कुल करीबी इनर सर्कल और क्लोज़र सर्कल से होगा तो मोहब्बतें बढ़ेंगी ताल्लुक मज़बूत होंगे रिश्ते नाते जो हैं वो उनके अंदर पायदारी ज़्यादा होगी और फिर एक और बहुत बड़ा फ़ायदा और हमत ये होगी कि वह जो करीबी सर्कल और जो इनर सर्कल है उसकी खबरगिरी और उसके हालात की आगही और अवेयरनेस बड़ी बारीकी तक इंसान के पास होती है और यूँ इस बात का बेहतरीन इम्कान ये होता है कि सदकात और खैरात और ख़ास तौर पर आज कल के हवाले से किसी गैर मुस्तहिक शख़्स पर ख़र्च करके उनके ज़िया का मामला जो है वो ना हो पाए तो लिहाजा सबसे पहले अल्लाह सुबहाना ताली ने अनफाक फी लाह में वो दायरा कार समझा दिया और फिर इस ही रकू रकू नंबर 26 की आयत नंबर दो में अल्लाह में अल्लाबहाना ताल मजीद वज़ाहत फरमा दी या सलूना का माजा उनफिकून वह सवाल करते हैं क्या खर्च करें तो अल्लाह सुबहाना ताली ने आगे ही जवाब दे दिया कह दीजिए जो तुम्हारी ज़रूरत से जायद है वो खर्च कर डालो याद रखिएगा अल्लाह राजिक है वल्लाहु यरज़ुकु राय बिगैर हिसाब वो जिसको चाहता है बिला हिसाब रिस्क देता है लेकिन ये मैं और आप जानते ही हैं कि उस राजिक ने इस दुनिया में रास्क माल और अपनी नेमतों की तकसीम को मसावी यानी बराबर नहीं किया अल्लाह किसी को ज्यादा देकर और किसी को कम देकर आजमाता है और ये माल और ये दुनियावी नेमतें बुनियादी तौर पर अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से आजमाइश है इन नमाम वालकुम व दुकुम फितना ये तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादे तुम्हारे लिए आजमाइश हैं ये फितना है आजमाइश तो लिहाजा जब अल्लाह सुबहाना किसी शख्स को उसकी जरूरत सेवाजता है तो बुनियादी तौर पर वो माल उसका नहीं ये किसी और का हक है जो उस, उस शख्स को अल्लाह सुबहाना तजमाने और परखने के लिए दे रहा होता है और इसमें वो आजमा क्या रहा होता है कि कसरत से नवाजा जाने वाला शख्स अपनी जरूरत से जायद माल को उसके असल हकदार तक पहुंचाने में रवैया क्या इख्तियार करता है क्या वो जरूरतमंद हाजतमंद को तलाश करता है उसको उस माल को उस माल को को उस उस तक पहुंचाता है या अगर वो हाजतमंद उस तक चल के आता है तो क्या वो खुले हाथ और खुले दिल से दिल की तंगी से बचकर वो उसका असल माल उस हकदार तक पहुंचाता है कि नहीं ये है वो माल की आजमाइश जिसका तस्करा यहाँ पर किया जा रहा है सालूना का माजाफिक्लाकुमलायातीफक् इसी तरह अल्लाह अपनी आयात बयान करता है ताकि तुम तफक् करो तुम गौर व फिक्र करो तुम गौर वो फिक्र करो कि वो रब जो तुम्हें कह रहा है कि तुम अपनी ज़रूरत से ज़ाये चीजों को राह राहिल्ला जन्नत के खसूल के लिए खर्च कर दो तो तुम तफक्कुर क्या करो तुम तदब्बर क्या करो अपने खराजात और अपने दुनियावी खर्च का मामला जो है उस पर गौर व फिक्र करो और ज़रा सोचो तो सही जरा गौर तो करो तफक् तदब्बर तो करो वो जो कुरान कहते हैं अफला या तफक्कर अफला या तदब्बर ऊन जरा गौरव फिक्र करो और अपनी जिंदगी के हालात का वसबा करो कि ये ये जो तुम्हारी जिंदगी के खराजात का मामूल है और जो इसराफ तुम्हारी जिंदगी में राइज है क्या ये दस दस डिजाइनर जोड़े पहनने की तुम्हें जरूरत है तुम्हें जरूरत है क्या दो दो तीन तीन कैरेट के बड़े बड़े डायमंड की तुम्हें वाकई आजत है से जायद दे दो तो। कुरान की आयात जब नाजिल होती और सहबा कराम इनको पढ़ते इनको सुनते इनको सीखते और समझते तो उनकी नज़र में और उनकी रूह से वो अपना मुहासबा करते थे और अपने अमल की असलाह करते थे वह जैसे अल्लाह तआला कुरान में फरमाते ना यखिरु नमय यमयाना कि वो कुरान की आयत पर अंधे बहरे होकर सुम फहुम ला याकिलून वो अंधे बहरे गूंगे होकर ला याकिलून की कैफ़ियत के साथ रवैया कुरान की आयत के साथ नहीं करते थे